जेएनयू में बीती रात दर्जन भर नकाबपोश गुंडों ने छात्रों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में जेएनयू के कई छात्र घायल हो गए, जिसमें छात्र संघ के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा इस हमले में जेएनयू के कुछ शिक्षक भी घायल हुए हैं, जिन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कल जेएनयू कैंपस में अचानक से क्रिकेट बैट, रॉड और डंडों से लैस नकाबपोश गुंडे घुसे, छात्रों पर हमला कर दिया। इस बीच कैंपस में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली पुलिस को रात में कैंपस में मार्च भी करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली मुख्यालय के बाहर जामिया और जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया, जांच की मांग की। कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी के नेता भी एम्स पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। चार तस्वीरें आपके सामने है। जेएनयू में तोड़फोड़ की गई, जेएनयू के अंदर कुछ नकाबपोश लोग घुसे, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला और बताया जा रहा है कि हमले में 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जेएनयू के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के हजारों छात्र प्रदर्शन करने पहुंच गए। जेएनयू और जामिया के छात्रों ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है और पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस बीच जेएनयू में दिल्ली पुलिस जब मार्च कर रही थी तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, साथ ही दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे भी छात्रों ने लगाए। जेएनयू छात्र संघ की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि इस हमले में टूटे हैं लेकिन हारे नहीं हैं, हम जेएनयू हैं। छात्रों ने रात में एक मार्च भी निकाला जो कैंपस के सभी हॉस्टल से होता हुआ गुजरा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जेएनयू की घटना के पीछे बीजेपी के लोगों के शामिल होने की बात नकारी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं। लेकिन आरोप जो लगाया गया कि एबीवीपी के लोग, बीजेपी के लोग शामिल हैं और उनके लोग आए जेएनयू में और उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, बिल्कुल झूठ है। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी, क्योंकि मैंने आपको व्यवस्था बताई कि विवाद किस बात का था। विवाद था वाईफाई का, विवाद था रजिस्ट्रेशन का, विवाद था वापस क्लासेस में जाने का, सेमेस्टर दोबारा शुरू करने का। इसका विरोध एबीवीपी नहीं कर रही, एबीवीपी इसका समर्थन कर रही है। इसका विरोध लेफ्ट वाले कर रहे हैं। तो पहले नैरेटिव गलत बनाओ, एकाध कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग उल्टी सीधी बातें करके बच्चों को भड़काएं, ट्विटर फेसबुक का इस्तेमाल करके दुनिया को कहें इकट्ठे हो जाओ और उसके बाद नाटक नौटंकी शुरू करो। ये एक टिपिकल नैरेटिव है और मैं इसको कंडेम करती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों का अगर ऐसा इस्तेमाल हो तो माँ बाप को कैसा लगेगा, मुझे वैसा ही लग रहा है। ऐसा कि छात्र नेता का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद भैया, वैसे 50 वीडियो मैं आपको तस्वीरें और वीडियो दिखाऊं, मैं लेके आई हूं। मैं कह रहा हूं कि उसी के बाद वो सब, वो अभी भी वो उसका सीटी स्कैन, एक और चार बच्चे और पड़े हैं, उनका वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ, जिसमें से एक लड़के का मेमोरी लॉस है, रशियन लैंग्वेज का फर्स्ट ईयर का छात्र है। तो ये झूठ का नैरेटिव बनाना बंद करें। सिर में चोट आई है उस लड़की के, एक लड़की के, पांच लड़के मुझे एबीवीपी के मिले जिनके सिर में चोट है, ये झूठ बोल रहे हैं। जेएनयू की घटना के बाद जेएनयू प्रशासन ने आरोप लगाया कि 3 जनवरी को नकाबपोश सीआईएस की बिल्डिंग में घुसे थे, स्टाफ को जबरन बाहर निकाल दिया था, सर्वर खराब किया गया था, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक 4 जनवरी को सर्वर दोबारा ठीक करवाया गया, छात्र रजिस्ट्रेशन करवाने लगे, कुछ छात्र दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने देना चाहते थे, उन्होंने वहां घुसकर तोड़फोड़ की, पावर सप्लाई बंद की गई, सर्वर रूम खराब किया गया। इसके बाद पुलिस को दोबारा शिकायत भेजी गई। 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे छात्रों को प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बलपूर्वक रोका। 5 जनवरी को ही 4:30 बजे रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे छात्र उग्र हो गए और रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों को मारा। नकाबपोशों ने पेरियार हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की। तो नकाबपोशों के घुसने के बाद वहां पर हड़कंप मचा और ये जानकारी सामने आई है कि 4 जनवरी को वहां पर सर्वर खराब हुआ था, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वहां पर छात्र पहुंचे, जो कि कल पहुंचे, और उसके बाद भी वहां पर तोड़फोड़ की गई और पेरियार हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की है। इसके बाद घमासान जारी है, इसको लेकर की राजनीति भी हो रही है और अब एबीवीपी पर आरोप लग रहे हैं। इस बीच जेएनयू में हुए हमले के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज भी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले की पहले से साजिश रची गई थी। फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस नाम से बने व्हाट्सएप के इस ग्रुप में लेफ्ट को सबक सिखाने और पीटने की बात कही जा रही है। साथ ही मैसेज में ये भी पूछा जा रहा है कि जेएनयू में किस रास्ते से घुसा जा सकता है। इस मैसेज का स्क्रीनशॉट को जारी करते हुए गुजरात के विधायक ने भी एबीवीपी पर जेएनयू में छात्रों पर हमले का आरोप लगाया है।